सभी देशवासियों से अपील है कि आओ चले नया सवेरा नया उमंग के साथ कोरोना वैक्सीन लगवाएं। शहर हो, गांव हो, कस्बा हो, और सभी को जागरूक करें। भारत सरकार सभी को निःशुल्क कोरोना टीकाकरण करवाया जा रहा है, आप सभी लोग इसका लाभ। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। सारी दुनिया आधुनिक हाईटेक हो रही है, लोगों को मोबाइल कंप्यूटर अन्य तरह के सुख सुविधाएं घर बैठे ही प्राप्त हो रहे हैं। यदि आपको कुछ मंगाना है तो आप इंटरनेट के जरिए आप सब कुछ मंगा सकते हैं। तो हम आज इन सब सुख सुविधाओं से चौकन्ना भी रहना है। हम आज सुबह टाइम्स लगातार आपको जागरूक भी करता रहा है। वर्षों की कमाई, मेहनत, मजदूरी किया गया आपने इकट्ठा किए हैं, और यदि आपने साइबर क्राइम के चंगुल में आ गए तो आपका मिनटों काम सेकेंडों में पार कर देंगे। इसलिए आप सतर्क रहें, सावधान रहें। और इस तरह से यदि कोई भी आपका अकाउंट नंबर मांगता है, आपका एटीएम नंबर मांगता है, आप कुछ भी शेयर ना करें, आप ओटीपी भी ना दें। तो इसलिए आप सभी से अपील है कि आप साइबर क्राइम से आप बचें, और साइबर के थ्रू जो उड़ाए जा रहे हैं इसके लिए आप शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। आप इस सब के लिए एटीएम संबंधित जानकारी कोई फ़ोन पर या किसी भी तरह से मांगता है तो आप उसे शेयर ना करें, यानी ना दें। आप लगातार जो है आप देख रहे हैं, साइबर अपराध से बचने के लिए हमेशा सतर्क रहें। भारत सरकार की इन सब जागरूकता के लेकर हेल्पलाइन नंबर भी दिया है। आप अपना शिकायत सभी जो है किसी भी तरह से भारत सरकार के टोल नंबर पर आप जो है शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। एक रिपोर्ट देखिए रिटायर्ड सुरक्षा अधिकारी राजेश गुप्ता जी से। नमस्कार, राजेश गुप्ता, ACCF नेशनल टीम मेंबर, नई दिल्ली। आप सब लोगों को जानकर अब बहुत ही अच्छा लगेगा कि जागरूकता और सतर्कता के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने भी अब साइबर क्राइम के फ्रॉड के बारे में बहुत कुछ चीज़ें हम सब लोगों के हित के लिए लागू कर दी हैं, बशर्ते कि हम लोग जागरूक और सतर्क रहें। आज के इस आधुनिक युग में घर बैठ कर पैसा कमाने का जो लोगों का सपना है वो था, अब वो सब जो है धीरे धीरे दूर हो जाएगा, और वो सब लोग साइबर फ्रॉड में अब कुछ काम नहीं कर पाएंगे, और एक समय उनको जो है पुलिस के हाथों, कानून के हाथों में आना ही पड़ेगा। भारत सरकार ने I4C, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कई बैंकों के साथ, कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर ऐसा कार्य किया है जो वास्तव में बड़ा ही अच्छा कार्य है, जो जनहित के लिए बहुत ही अच्छा कार्य है। उन्होंने जो है एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। अगर आपके साथ कोई भी साइबर फ्रॉड या इस तरह का कोई कार्य होता है तो आपको अब बहुत ही अच्छी सुविधा के लिए एक नंबर जारी किया गया है। वो नंबर आप सब लोग नोट कर लीजिए, 155260। मैं दोबारा बोल देता हूँ नंबर, 155260। इस नंबर को डायल करके आपके साथ जो घटना हुई है उसको आप तुरंत बताइए। अगर आपका पैसा आपके खाते से निकल कर जो फ्रॉडियल है उसके खाते में गया है तो उसका खाता सीज हो जाएगा, वो पैसा नहीं निकाल पाएगा, और आपको अपने पैसे के लिए बैंक से संपर्क करके कुछ कागज़ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके, पेपर फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके आपको पैसा वापस आ जाएगा। मगर इसके लिए आपको 24 घंटे के अंदर उसके पहले जितनी जल्दी हो सके इस नंबर पर डायल करके पूरी बात बतानी है। साथ ही साथ आपका जैसे लोग गूगल पे से करते हैं, पेटीएम से करते हैं, इस तरह से भी लोगों के पैसे इसके माध्यम से चले जाते हैं, उनमें भी आप इस तरह की
बातें इस फ़ोन नंबर पर रिपोर्ट कर सकते हैं और आपका पैसा मिलने की बहुत ही ज़्यादा गुंजाइश रहती है। केवल कैश के मामले में अगर किसी ने आपसे इन्फॉर्मेशन लेकर आपसे बातें कर कैश के थ्रू पैसा निकाल लिया तो थोड़ा सा मुश्किल है। फिर भी आप सब लोग जो है इस नंबर पर अपनी शिकायतें ज़रूर दर्ज कराइए, अपने साथ जो घटना घटे तो इसको ज़रूर दर्ज कराइए, जिससे कि एक सतर्कता के साथ आगे की रूपरेखा और कार्रवाई भी तय हो सके। इस कार्य के लिए हमारे जो लोग भी लगे हुए हैं उन सबको हमारा सैल्यूट। और वास्तव में ये बहुत ही अच्छी पहल है जो इसके लिए ये कार्य किया गया है। आप सभी लोगों से एक विनती है, एक अपील है कि इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जागरूक करिए, सतर्कता के साथ इसको जो है पूरी बात को समझाइए, क्योंकि आज के ज़माने में पैसा कमाना बहुत कठिन है। और किस तरह से पैसा लोग गंवा रहे हैं, किस तरह से पैसा लोगों का जा रहा है, उसको आप देख रहे हैं कितना सरल है। इसलिए इन सब चीज़ों को समझकर सरकार की मदद करिए, प्रशासन की मदद करिए। आप सब लोग भी जानकार होकर एक दूसरे को शेयर कीजिए और बातचीत के माध्यम से इसको समझाइए कि इस तरह की चीज़ों से बहुत ही सतर्कता के साथ कार्य करना है। इसमें जो है जितना आप सतर्क होकर काम करेंगे उतना ही आपका ज्ञान बढ़ेगा, उतना ही आपका पैसा जो है सुरक्षित रहेगा और उतना ही आप दूसरे को और ज़्यादा हिम्मत के साथ जागरूक कर सकते हैं। यही जो है सरकार की पहल होती है, यही एक पहल जागरूकता के लिए जो की गई है उसका मतलब है कि हमारे दिल दिमाग में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि हमारे इस कार्य के प्रति कोई सजग नहीं है। आप देखिए कि सजगता के साथ ही ये नंबर जो है दिया गया है और इस नंबर को बार बार आप अपने कहीं पर भी नोट करके रखिए और बल्कि इसको एकदम याद करके रखिए 155260। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।